नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में 5 साल बाद फिल्म गदर 2 से कमबैक किया है। फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है और अमीषा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बीच एक इंटरव्यू में अमीषा 2002 में रिलीज हुई अपनी फिल्म ये है जलवा पर बात करी, जिसमें वो सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी। एक्ट्रेस ने कहा कि इस फिल्म में उन्होंने तो अच्छा काम किया था, पर सलमान की वजह से फ्लॉप हुई। एक इंटरव्यू में अमीषा ने कहा यह जलवा डेविड धवन की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। सलमान इस फिल्म में बहुत ही हैंडसम लगे थे और म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बढ़िया था, पर उसी दौरान मीडिया में सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर नेगेटिव खबरें चलने लगी, जिसका असर इस फिल्म पर पड़ा। इसके अलावा अमीषा ने आमिर खान स्टार मंगल पांडे के फ्लॉप होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, जिस तरह से ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट किया था। इस फिल्म में अमीषा ज्वाला नाम की विधवा का किरदार निभाया था, जो सती होने जा रही थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।